वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन। जावास्क्रिप्ट में जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो इफ एल्स की तरह ही वर्क करता है। इसमें हम एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे कुछ वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहें वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है, किसी वेरिएबल नेम के इक्वल हम सबसे पहले एक कंडीशन देंगे, कंडीशन के बाद हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, उसके बाद पहली वैल्यू, उसके बाद कॉलन और वैल्यू टू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू वन में जो भी वैल्यू होगी वो वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वैल्यू टू की वैल्यू वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। जैसे कि हमने नीचे एक एग्जांपल लिया कि b इक्वल टू a लेस देन 18 क्वेश्चन मार्क a प्लस 5 कोलन a प्लस 7, कि a की वैल्यू हम कंडीशन में यूज कर रहे हैं कि अगर a की वैल्यू लेस देन 18 है तो b में क्या असाइन होगा, a प्लस 5, और अगर a की वैल्यू लेस देन 18 नहीं है, ग्रेटर देन 18 है, तो b में असाइन हो जाएगा a प्लस 7। अभी मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं उसको बता रही हूँ, जिससे कि इसको आपको यूज करना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जांपल है, जिसमें हमने जो प्रोग्राम चूज किया है वो ये है कि हम कोई ईयर दे रहे हैं, वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर देखते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है वाई, और उसमें प्रॉम्प्ट के थ्रू एक ईयर इनपुट कराएंगे हम। उसके बाद हमने कंडीशनल ऑपरेटर के लिए यहाँ पे एक वेर एस लिया, उसके इक्वल हमने यहाँ पर कंडीशन दी। सबसे पहले कंडीशन में हमने दिया कि लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है, कि जो ईयर की वैल्यू 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी वो लीप ईयर होगा, और जो 4 से डिवाइड नहीं होगी वो लीप ईयर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि जब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर वाई का 0 आएगा, जैसे वाई मोड 4 इक्वल टू 0, जब भी आप कंपैरेटिवली इक्वल टू को यूज करने y mod 4 डबल इक्वल टू 0 लगाना है, ये यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज होगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो फर्स्ट पार्ट है अर्ली, ये वेरिएबल लेस को असाइन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नोट ए लीप जो सेकेंड वाली वैल्यू है कोलन के बाद वो वाली वैल्यू वेरिएबल लेस को असाइन हो जाएगी। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो एस में आ जाएगा लीप, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नोट ए लीप आ जाएगा। अब हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू ये वाली चीज इस तरह से प्रिंट करा ली, गिवन ईयर, इसके बाद वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर इस, फिर एस की वैल्यू, एस में या तो लीप आएगा या नोट ए लीप आएगा, उसके बाद ईयर एज इट इज प्रिंट कर लिया। अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा जिसमें हमें ईयर इनपुट करना है, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया 2020, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आ रहा है गिवन ईयर 2020 इज ए लीप ईयर, और अगर यहाँ पर हम डाल देते हैं 2019, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है गिवन ईयर 2019 इज नॉट ए लीप ईयर। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।